हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। आप सबको आज मैं लेके जाने वाली हूँ एक दूसरे एरा में। जी हाँ, मैं आपको टाइम ट्रैवल कराने वाली हूँ आज। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये वीडियो देखकर आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप मुगलों के समय में आ गए हो, राजा महाराजाओं के समय में, वेल आपका पता नहीं, पर मुझे तो ऐसे ही फील हुआ जब मैं गई थी लाल किला। पर मैं आज आपके लिए रेड फोर्ट का व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेड फोर्ट के मार्केट का व्लॉग। आप जानते हैं 17वीं सेंचुरी में शाहजहां ने ये मार्केट बनवाया था। खैर, ये मार्केट की खासियत क्या है, क्या अलग है इस मार्केट में? इस मार्केट में अलग ये है कि इसे छत्तर बाजार के नाम से जाना जाता है, या तो मीना बाजार। इसका नाम स्पेसिफिकली ये पड़ा क्योंकि उस समय प्रोमिनेंट नहीं था इंडिया में इस तरह के कवर्ड मार्केट्स, वहाँ पर ओपन मार्केट का ट्रेंड था। पर शाहजहां ने पेशावर में ये मार्केट देखा था और उनको चाहिए था कि दिल्ली की तपती हुई धूप में ऐसा मार्केट बनाया जाए, तो उन्होंने तब इंस्ट्रक्ट किया कि एक छत्तर बाजार बनाया जाए जो कवर्ड हो और जिसके अंदर मार्केट हो। ऑल्सो, क्या आप जानते हैं अकबर ने ये मीना बाजार का कंसेप्ट स्टार्ट किया था? छत्तर बाजार तो कवर्ड मार्केट है, हाउएवर बाजार का ये जो ट्रेंड है जिसमें कि औरतें घूम सकें, खरीदारी कर सकें, ये अकबर ने सोचा था, क्योंकि फ्राइडे की नमाज के समय सारे मर्द तो बिजी होते थे नमाज पढ़ने में और उनका किले के आसपास या किले के एरिया में आना वंचित होता था, तो उसकी वजह से औरतों को एक फ्री पैसेज होता था पर्दा सिस्टम में भी कि वो घूम सके, वो मार्केटिंग कर सके। तो उस समय ये मीना बाजार का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। अच्छा, हैंडमेड है। और किस चीज पे बनती है? पेपर पे, नॉर्मल अच्छा। और पेंट कौन सा होता है? नॉर्मल पेंट होता है इसका। ज़रा सोचिए, आप उसी मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं जहाँ पर पहले रानियाँ और नोबल फैमिली शॉपिंग करते थे। सो दीज आर ऑल 100 यू टोल्ड, राइट? एंड दीज राउंड वंस, वो राउंड वाले 200। और ये वाले जो होते हैं, और ये किस चीज से बना होता है, ये वाले कड़क वाले? अच्छा, ये भी वैसे ही है, ब्रास वाला। ये ब्रास है ऊपर, इसका ये कलर नहीं जाएगा, ये निकाल के दिखाएंगे प्लीज। सो दिस पर्स शॉप हैड सम रियली ऑसम कलेक्शन, मैंने खरीदा है, मैं आपको हॉल कल ज़रूर बताऊंगी, तो आप उसके लिए भी सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज आपको कल हॉल देखने मिलेगा मेरे रेड फोर्ट मार्केट से मैंने क्या क्या खरीदा। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगा कि जितने भी मार्केट्स मैंने दिल्ली में विजिट किए, वन ऑफ द बेस्ट मार्केट वॉज द रेड फोर्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ यू नो वॉट वॉज द प्राइज एंड द क्वालिटी बोथ। सो यहाँ पर जब मुगलों के ज़माने में मार्केट लगता था तो इसी तरह से हर एक चीज़ मिलती थी, यू नो प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरीज, कारपेट्स एंड कर्टन्स एंड हर एक ज़रूरत का सामान, यूटेंसिल्स, ऑब्वियसली सब कुछ मिलता था बिकॉज यही उनके लिए एक मार्केट था जहाँ से वो शॉप कर सकते थे। हाउएवर, हमारे टाइम में तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट अगर आपका लाल किला जाना हुआ तो आपकी एंट्री ही इस मार्केट से होते हुए होगी, तो आई एम श्योर आप अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ज्वेलरीज का कलेक्शन तो इतना ज़्यादा है कि आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। एंड ऑल्सो जस्ट टू लेट यू नो कि प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, ओवर प्राइस शॉप्स नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों तरह की आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, आपको आर्टिफिशियल भी मिल जाएगी और आपको सेमी प्रेशियस ज्वेलरीज भी मिलेंगी। मैंने सेमी प्रेशियस ज्वेलरीज भी देखी थी, तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी, मैंने एक दो खरीदी भी है मेरे हॉल में, आपको वो भी देखने मिलेंगी।
तो इस छत्ता बाजार की जो एंट्रेंस है वो लाहौर गेट से हो जाती है और उसके बाद ये जो छत्ता चौक जिसको बोला जाता है या मीना बाजार या छत्ता बाजार, वो जब ख़त्म होता है तो शुरू होता है दीवाने आम। जी हाँ, मुझे ये शॉप भी बहुत पसंद आई थी। यहाँ पर इतने प्यारे प्यारी चीज़ें थी, अलग अलग चीज़ें थी, स्पेशली मार्बल एंड वुडन आर्टिकल्स तो मैं आपको बता नहीं सकती। उस शॉप से भी मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ली थी जो कि आपको कल के हॉल में देखने मिलेगी। वैसे इस बाज़ार में जिस दिन औरतें आती थी उस दिन ये कंसेप्ट होता था कि सेलर्स भी औरतें होती थी और बायर्स भी औरतें होती थी अकबर के टाइम पे, और शाहजहां के टाइम पे भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट था। द ओनली थिंग दैट चेंज्ड वॉज कि ये कवर्ड बाज़ार शाहजहां के टाइम पे आया। अकबर के टाइम पे जो मीना बाज़ार था वहाँ पर कंसेप्ट यही था कि फ्राइडे के दिन सेलर्स भी औरतें और बायर्स भी औरतें, लेकिन अनकवर्ड मार्केट होता था। तो यहाँ पर एंड होता है हमारा बाज़ार। आगे जाके ड्रम हॉल आता है जहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती थी किसी की भी एंट्री की, और फिर शुरू होता है दीवाने आम जो कि थी पब्लिक ऑडियंस की प्लेस। वे सो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।